Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence, and I'm here to assist you with a variety of tasks as best I can, 24 hours a day, 7 days a week. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में जावेस एंड्रॉइड डिवाइस पे कैसे यूज कर सकते हैं वो आप देखने वाले हैं। और ये जो जावेस एप्लीकेशन होने वाला है ये रियल जावेस नहीं है, लेकिन ये आपके कई सारे सवालों के जवाब दे सकता है। और जस्ट लाइक चैट जीपीटी, ये भी एक चैट बॉट है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स हैं जो कि आपको चैट जीपीटी पे नहीं मिलेंगे। सो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो आप इसका जो फर्स्ट पेज है और इंटरफेस है वो आप देखिए कैसा है। सो फर्स्ट इंटरफेस आपको ऐसा मिलेगा एआई चैट बॉट की तरह। देखिए लिखा हुआ है मीट जावेस Your AI powered assistant for search and content creation. Get accurate result in a second with AI technology and improve your productivity. Okay, next करते हैं. Take Jarvis with you wherever you go. Okay, next करेंगे. Okay, तो यहाँ पे इस तरह से आपको chatbot की तरह answers मिलेंगे. Let handle all your content creation and creative writing. Next करते हैं. Create custom code scripts with ease. तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसमें coding से related भी questions कर सकते हैं और code generate करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको answer मिलेंगे जैसे चैट जीपीटी पे मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं अनलॉक एंडलेस पॉसिबिलिटीज विद जावेस। ओके, तो इस तरह से आप इसमें अलग अलग तरह के टास्क आपको दे सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि कुड यू राइट मी एन ईमेल आस्किंग फॉर अ, तो आप एक ईमेल वगैरह भी राइट करवा सकते हैं, कोई लेटर आप राइट करना चाहे। सो काफी सारे टास्क हैं वो आप कंप्लीट करवा सकते हैं जस्ट लाइक चैट जीपीटी। ओके, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखिए ये एक नया फीचर है इसका जो कि आपको चैट जीपीटी में नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा अवेंजर्स मूवी में जो जावेस है वो वॉइस कमांड पे रन होता है, वॉइस कमांड को समझ सकता है और उसको जो है बोल के भी बता सकता है। ये जो है वॉइस के लिए यानी कि माइक की परमिशन मांग रहा है जिससे कि आप बोल करके इसको कमांड दे पाएंगे। ऑलराइट, सो हमारा जो वॉइस कमांड वाला जो परमिशन है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। और आप ऊपर की साइड देखेंगे तो जावेस लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पीकर स्कैनर का बटन है, रिफ्रेश का बटन है, स्पीकर का बटन आपको दिया गया है यानी कि ये जो है आप चैट करेंगे इससे तो आपको ये बोल करके आपके सवाल को जवाब बोल करके दे सकेगा। अब ये जो विंडो है आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेम चैट जीपीटी जैसा मिल जाता है, सबसे ऊपर आपको मिल जाता है। अगर आपको प्रॉम्प्ट्स लिखना नहीं आता है तो वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। और इसके बाद है एग्जाम्पल्स, आपको किस तरह से आपको इसमें सवाल जवाब करने हैं। और वैसे देखा जाए तो आप इसमें हिंदी में या इंग्लिश में सिंपल कोई भी आंसर पूछेंगे तो ये इतना समझदार है कि आप कैसे भी आपको जवाब दे देगा। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं और ज्यादा डिटेल्ड और बेटर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैपेबिलिटीज आप देख सकते हैं, इसके तो कैपेबिलिटीज इसके दिए गए हैं। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ भी सिंपल से चैट करके देखते हैं क्या कैसे काम करता है, ये चैट जीपीटी जैसा है या नहीं है। ऑलराइट, तो हमें आंसर मिल चुका है, हाय जार्विस हमने किया। और यहाँ पे हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, तो यहाँ पे इस तरह से आंसर आपको मिले शॉर्ट में। अब देखिए रीजनरेट का ऑप्शन है इसमें, शेयर का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है, ये कुछ ऑप्शन है बेसिक से जो आपको चैट जीपीटी पे नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम कुछ टेक्निकल या फिर कोई एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड पूछते हैं तो देखिए किस तरह से रिप्लाई आता है। ओके, तो मैंने हिंदी में टाइप किया है VR टेक्नोलॉजी क्या है और हम इसको सेंड करते हैं, देखते हैं। ऑलराइट, तो हमें जो आंसर है वो मिल चुका है। अब जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है VR टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस हेडसेट एंड गॉगल्स टू क्रिएट लाइफ लाइक 3D एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स, इट यूजेस अ स्पेशली डिजाइंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू क्रिएट अ सिमुलेटेड एनवायरमेंट फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विथ। ओके, सो VR टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कितना शॉर्ट में और जो जो जरूरी चीजें हैं वो कवर करी हैं और शॉर्ट में बहुत सही आंसर आपको मिल जाता है। इस तरह से आप कई सारे सवाल जवाब करना चाहें, इसको एज अ रोबोट या फिर कहें एक असिस्टेंट की तरह एक्ट करने के लिए कहा जाए तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। यानी कि चैट जीपीटी जैसा काफी सारे फीचर्स हैं, लेकिन चैट जीपीटी के अलावा भी कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि आपको इस चैटबॉट में मिल जाते हैं। सो कह सकते हैं जावेस थोड़ा डिफरेंट चैटबॉट है, यहाँ पे चैट जीपीटी जैसा ही है लेकिन कुछ नई चीजों के साथ में। सो गाइस कैसा लगा ये जावेस एप्लीकेशन कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।